प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की। होटल के सामने से मास्टर की लगाकर चोर उड़ा ले गया बाइक। रायपुर शहर के स्वीपर कॉलोनी में झोपड़पट्टी में आग लगने से बड़ा हादसा। दो मंजिला इमारत में हुआ अचानक ब्लास्ट, 5 घायल। अब खबरें विस्तार से। होटल के सामने से मास्टर की लगाकर चोर उड़ा ले गया बाइक। साहिबगंज जिले में इन दिनों बाइक चोर काफी सक्रिय हो चुके हैं। रोजाना 2 से 4 बाइक चोरी की घटना सामने आती रहती है। चौक चौराहे पर सिविल ड्रेस में पुलिस बल तैनात रहने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के सारे दावे फेल हो रहे हैं। बीती रात एक चोर बाइक चुराते हुए होटल विनायक के सामने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। रायपुर शहर के स्वीपर कॉलोनी में झोपड़पट्टी में आग लगने से बड़ा हादसा। यहां एक ही परिवार के 3 लोगों जलने से मौत हो गई है, दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्वीपर कॉलोनी में शुक्रवार तड़के आग लग गई। इस भयावह आग में जलने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल बताई जा रही है। आग से झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। कोतवाली पुलिस ने मौके का मुआयना कर जानकारी दी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मरने वालों में पिता सह 2 बच्चे भी शामिल है। 2 मंजिला घर में हुआ अचानक ब्लास्ट, 5 घायल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजयनगर में एक भयावह हादसा हो गया है, जहाँ इलाके में 2 मंजिला मकान में अचानक सिलेंडर फट गया। घटना में 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल है। घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मकान के मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही, जो जांच करने पर गलत साबित हुई है। मलबे में कोई नहीं दबा था। यह ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। घटना के बाद से मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौजूद है। आसपास के लोग से भी पूछताछ की जा रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड करें, और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।